हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आज हम अपना न्यू एक्सरसाइज और न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वो एक्सरसाइज नंबर 2.5, तो हम आए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुतरजा ज़ैल रूट्स वाली, ये जो रूट दिए गए हैं, तो इनको कह रहे हैं रूट्स वाली। दो दर्जी मसावाद लिखे, जो दो दर्जी मसावाद है वो ये है, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगी। इसमें हमने इन जो पार्ट्स है अल्फा बीटा को एक मरतबा प्लस करना है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई। जब प्लस करेंगे तो वो एस की वैल्यू निकलेगी, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, उर्दू में रूट्स का मजमू। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा पी की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसे बोलते हैं रूट्स का हासिल दरम। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट जो है वो है 1.5, ठीक है? पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, हम इसको इधर हम स्प्रे करते हैं। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए, हियर अल्फा जो है वो 1 है और जो बीटा है वो है 5, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 5। ये हमने लेट्स सपोज कर लिया, एक्स इक्वल होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा, ये हम पहले ही जानते हैं, ठीक है? एक्स इक्वल आ गया अल्फा की वैल्यू आ गई 1 प्लस बीटा की वैल्यू 5, 1 में 5 प्लस किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। फिर पी जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की वैल्यू 1 थी बीटा की 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो पी की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारे पास जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये हमने बना लिया। तो ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसमें हमने एस और पी की वैल्यू यहाँ से पुट की, एक्स की वैल्यू 6 और पी 5। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गई। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ये 4 और 9 हमें दो रूट्स दिए गए हैं जिसकी मदद से हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन बनानी है, ठीक है? हियर अल्फा जो है वो 4 है, बीटा जो है वो 9 है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा पहला रूट प्लस दूसरा रूट, एस इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 9, 4 और 9 प्लस किया 13, पी आ गया फर्स्ट रूट मल्टीप्लाई सेकंड अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की 9, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 और 9 टाइम 13। तो हमारे पास एक्स और पी की जो वैल्यू है उसे हमने इस गिवन क्वेश्चन में पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 13, यहाँ से एस प्लस पी की वैल्यू 36। ये हमारे आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 किया, पार्ट नंबर 3 पार्ट माइनस 2 का मतलब है यार अल्फा जो पहला रूट है वो माइनस 2 है, दूसरा जो बीटा रूट है वो 3 है। पहले हम इन दोनों का सम ऑफ रूट्स मतलब मजमूआ, एस इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा, दोनों को प्लस करके अल्फा की वैल्यू है माइनस 2, बीटा की वैल्यू है प्लस 3, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। फिर पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसे हम रूट का हासिल कहते हैं। इसमें हम पहले रूट जो अल्फा है और दूसरा रूट बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी इक्वल आ गया अल्फा की वैल्यू माइनस 2, बीटा की वैल्यू 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 2 टाइम माइनस 6, पी और एस की वैल्यू आ गई, इनको हमने इसमें पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फंक्शन में। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 1, एक्स प्लस पी की वैल्यू 1 इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस माइनस माइनस 6, और ये हमारी इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब पार्ट नंबर 4 डी 0.3, हियर अल्फा जो है पहला रूट 0 है और बीटा जो है वो माइनस 3 है, तो एस इक्वल आ गया अल्फा प्लस बीटा, दोनों को सम करेंगे पहले और दूसरे रूट को, एस इक्वल टू आ गया अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 का 0 प्लस माइनस माइनस 3, और 0 में से माइनस 3 या माइनस 3 में 0 निकाले तो माइनस 3 ही आता है, तो एस की वैल्यू आ गई माइनस 3 सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है फर्स्ट रूट को सेकंड रूट से मल्टीप्लाई करना अल्फा बीटा, पी इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू माइनस 3 माइनस 3, और जिससे 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है। अब हम एस और पी की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन में पुट करेंगे, एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है माइनस 3, एस प्लस पी की वैल्यू है 0 इक्वल है 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 0 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में 0 प्लस किया 3x रहेगा इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई गिवन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके गाइस, कैसा लगा आज का लेक्चर? वहाँ भी याद रखिएगा, और मेरा चैनल नंबर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक शेयर और कमेंट करना।